भगवान ने लक्ष्मण की ओर देखा। लक्ष्मण जी बोले, महाराज आप छोटे व्यक्ति को इतनी बड़ाई दे देते हो कि वो सिर पर बैठने को तैयार है, हमारे पिताजी तक बात लेके पहुंच गया, ये बात ठीक नहीं है, आज हम इसे निपटा ही दें बिल्कुल। जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ा करके लक्ष्मण खड़े हैं, तब तक केवट एक बड़ी प्यारी बात बोला। केवट ने कहा, अच्छा लक्ष्मण भैया आप मुझे मारना चाहते हैं, मार दो कोई दिक्कत नहीं, मरना तो एक ना एक दिन सबको है ही है। पर केवट बड़ा सुंदर बोला, यदि आज आपके हाथ से, आपके चलाए बाण से मैं मर जाऊं तो मेरा सब प्रकार से कल्याण हो जाएगा, मुझे कोई समस्या नहीं, मार भी दो। तो लक्ष्मण जी ने पूछा, कैसे कल्याण हो जाएगा? केवट ने कहा, महाराज सबसे बड़ी बात, मेरे परमात्मा स्वयं भगवान का छोटा भाई लक्ष्मण अपने हाथ से सरकार को प्राणन ते प्रिय बंधु वही मोहिबान ते मारत है। भगवान का प्राण प्रिय भाई मुझे अपने हाथ से मार दे तो मेरा कितना बड़ा कल्याण है। दूसरी बात, मर कहाँ रहा हूँ, स्थान का बड़ा महत्व होता है। तो कहा, मर कहाँ रहा हूँ, मरता हूँ कहाँ, सुच गंग के तीर शरीर सो प्राण सिद्धारत है। मरना कहाँ हो रहा है? बोले गंगा जी के घाट पर मरना हो रहा है, जहाँ मरने के बाद भी अस्थियाँ लाकर लोग प्रवाहित करते हैं। और हमारा शास्त्र, हमारा सनातन कहता है कि वो जीव जिसकी अस्थि गंगा में प्रवाहित हो जाए उसका मोक्ष हो गया, कल्याण हो गया। तो केवट तो कहता है, मैं तो मर ही गंगा के किनारे रहा हूँ। तीसरी महत्व की बात, किसके सामने मर रहा हूँ? बोले कई बार कोई मुकदमा हो ना तो आप कहाँ जाते हैं? बोले कोर्ट में जाते हैं, वहाँ न्यायाधीश जो बैठे हैं, जज साहब जो बैठे हैं, वो आपका क्या अच्छा क्या बुरा वो सब फैसला सुनाते हैं। अच्छा कभी कोई ऐसी भी घटना हो सकती है कि वहाँ घटना के समय गवाह के रूप में वही न्यायाधीश खड़े हों, तब तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा महाराज। आज केवट बोला, समूहे किसके सो विनीत सुनो, रघुनाथ सो नाथ निहारत है। सबसे बड़ी बात, जब मेरा मुकदमा आपके दरबार में चलेगा और आप जज बन करके बैठे होंगे, तो भगवान के सामने बोल पड़ा कि उस समय गवाही भी आप दे रहे होंगे और मेरा निर्णय, मेरा फैसला भी आप कर रहे होंगे, तो सबसे बड़ा मेरा कल्याण का काम तो ये हो गया। और चौथी महत्व की बात यह है महाराज, आज बड़े सुंदर भाव से बोल रहा है, चौथी बड़ी महत्व की बात यह है कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे गांव के लोग आएंगे, परिवार के लोग आएंगे, रिश्तेदार नातेदार सब आएंगे और आपसे ही ये पूछेंगे कि अच्छा ये तो बताओ मरने वाले का अपराध क्या था, किस कारण आपके भाई ने मार दिया। तो भगवान से मुस्कुराते हुए बोला, महाराज मेरा तो वहाँ भी कल्याण है, आप अपने लिए सोच लीजिए। भगवान बोले, क्या मतलब? बोले अपराध यही इस दास को है, प्रभु के पद पद्म पखारत है। जब लोग आके पूछेंगे तो आप उत्तर क्या दोगे? हमारे चरण धोना चाहता था सो हमारे भैया ने मार दिया, सो महाराज बदनामी आपकी होनी है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लक्ष्मण जी ने जब इतनी बात सुनी, सो लक्ष्मण जी ने जो धनुष पर बाण चढ़ाया था धीरे से उसको ढीला किया और तर्कस में वापस रख लिया। भगवान बोले, क्या हुआ? लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज दुनिया में पहला व्यक्ति मिला है जो मारने के भी लायक नहीं, जिसे मैं मार भी नहीं सकता, ये पहला व्यक्ति। लक्ष्मण वो है मानस में जो बड़े बड़े की बोलती बंद कर दे, पर आज गंगा के किनारे केवट के प्रेम के सामने और केवट के हट के सामने लक्ष्मण मौन हुए, मानसकार दर्शन करा रहे। केवट ने स्पष्ट कह दिया, महाराज पार ले जाऊंगा तो चरण धोने के बाद ही ले जाऊंगा, भले ही आपका भाई मुझे मार दे, प्राण दे दूंगा पर वचन नहीं तोड़ूंगा।